हेलो दोस्तों, मैं शुभम स्वागत करता हूँ आप सभी का ऑलटेक यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज मैं आपसे ऐसे तीन टॉपिक शेयर करूँगा जिससे सुन के शायद आपको मज़ा ही आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करता हूँ इस गेमिंग न्यूज़ के सेकेंड एपिसोड में। सो दोस्तों, गेमिंग न्यूज़ भले ही छोटा हो बट आपको डेफिनेटली मज़ा आएगा, बिकॉज मैं इस वीडियो में दो अपकमिंग बैटल रॉयल गेम्स और पबजी मोबाइल की न्यूज़ के बारे में आपसे बात करूँगा। सो दोस्तों, हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और अगर आपको इस वीडियो पसंद आए तो कीजिएगा एक लाइक, और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से जाके सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन से। कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन ये गेम हमें देखने को मिला था कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर के साथ, और इसे आप प्ले कर सकते हैं सभी कंसोल्स या फिर पीसी के ऊपर। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ बाहर आया कि ये गेम मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आने वाला है, वैसे ही सब इस गेम को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। और बस सबके मन में एक ही सवाल चल रहा था, क्या सच में ये गेम मोबाइल डिवाइसेस पर लॉन्च कर दिया जाएगा? तो दोस्तों, आज मैं आपके सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर कर दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अगर वन वर्ड में आंसर देना है तो वो है यस। कॉल ऑफ ड्यूटी वर्जन अप टू 150 प्लेयर्स का बैटल रॉयल गेम है, जो कि सपोर्ट करने वाला है कॉल ऑफ ड्यूटी के लेटेस्ट टाइटल कोल्ड वॉर को, यानी कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा और काफ़ी अच्छी ग्राफिक्स वाला बैटल रॉयल गेम्स है। और इसको आप सभी लोग पसंद भी करते हैं, बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राफिक्स आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, और दोस्तों के साथ में प्ले करने में मज़ा ही आ जाता है। और जैसे ही अनाउंसमेंट करी गई कि इसको आप लोग एंड्रॉयड स्मार्टफोन पे प्ले कर पाएंगे, तो भाई सारे के सारे व्यूवर्स और गेमर्स खुश ही हो गए। लेकिन आप लोग ये मत सोचिएगा कि गेम बन चुका है और आपको बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ एक्टिविजन ने काफ़ी सारे लोगों को हायर किया है इस गेम के ऊपर, यानी कि अभी डेवलपिंग स्टेजेस में है, अभी इसके ऊपर वर्क होगा, उसके बाद अल्फ़ा स्टेज में पहुँचेगा, अल्फ़ा वॉचेस मिलेंगे, और फिर दोस्तों बीटा टेस्टिंग होगी, इसके बाद जाके ये गेम सभी के सामने आएगा। यानी तब तक के लिए कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल से ही काम चला लीजिए। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन जैसा बड़ा गेम मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आने वाला है। अब ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के बारे में तो है नहीं, यहाँ पर तो आपको एक इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ प्रोवाइड कराई है कि वॉरजोन आने तो वाला है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरे गेम्स की, जिसके लिए मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, और वो है दोस्तों वैलोरेंट। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, वैलोरेंट भी मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर पोर्ट करा जाने वाला है। हालांकि अभी इसके ऊपर वर्क स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जब भी वैलोरेंट का नया अपडेट या फिर नया पैच निकल के आता है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स मिल जाती है वैलोरेंट मोबाइल के रिगार्डिंग। बिकॉज इस बार के लेटेस्ट अपडेट में हमें देखने के लिए मिला है कि टच टू मूव, टच टू कंट्रोल, इस तरह की काफ़ी सारी स्क्रिप्ट हमारे सामने आई है, जिनसे हमें ये पता लग जाता है कि वैलोरेंट मोबाइल के ऊपर वर्क चल रहा है, और बहुत ही जल्दी हमें एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर देखने को मिल जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, वैलोरेंट मोबाइल का भी पक्का नहीं है कि कब तक ये एंड्रॉयड के ऊपर आएगा, लेकिन एक चीज़ तो कंफर्म है कि वैलोरेंट मोबाइल आने वाला है। और ये जो पिक्चर है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है वैलोरेंट मोबाइल की, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लेकिन मैं इससे 100% गारंटी कंफर्म नहीं बोलता हूँ, हो सकता है इसे एडिट करके डिज़ाइन किया गया हो। भाई मेरी तरफ से ये मत समझना कि वैलोरेंट मोबाइल की ये रियल पिक्चर है, मैं बस इतना बता देता हूँ कि वैलोरेंट मोबाइल आने वाला है। यानी कि हम दो बेहतरीन गेम्स के बारे में बात कर चुके हैं, जो कि बैटल रॉयल के अंदर किंग माने जाते हैं। वैलोरेंट आप लोगों को लेटेस्ट देखने को मिला, और कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन को तो हम काफ़ी टाइम से जानते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, H1Z1 जो कि पहला बैटल रॉयल गेम था जो PC पे लॉन्च किया गया था, वो भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन के ऊपर आने वाला है। यानी कि आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी बैटल रॉयल गेम्स की कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जो भी आप लोगों को PC और कंसोल्स पे देखने को मिलेंगे, वो सभी एंड्रॉयड पे भी आएंगे। और आपको हमारी आज की वीडियो और न्यूज़ अच्छी लगी हो तो कीजिएगा इस वीडियो को एक लाइक, और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो भाई लोग जल्दी से जाके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, जिससे कभी भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको रियल और 100% जेन्युइन न्यूज़ देखने को मिलती है। जैसे कि वैलोरेंट मोबाइल का बिल्कुल लेटेस्ट लीक कि वो मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आने वाला है, उसी के साथ में दोस्तों कॉल ऑफ ड्यूटी वॉरजोन के बारे में बात करी इस वीडियो के अंदर। और अब लास्ट में दोस्तों बात कर लेते हैं पबजी मोबाइल के बारे में। और ये तो आप सभी जानते हैं कि पबजी मोबाइल को इंडिया गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है, उसको बैन हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और अब आप लोग भी अपनी होप्स भी छोड़ते जा रहे होंगे कि पबजी मोबाइल वापस आएगा या फिर नहीं। और आजकल मार्केट में नई लीक और एक नई सुर्खियाँ बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और वो है कि पबजी मोबाइल और जियो का कोलैबोरेशन होने वाला है। यानी कि एक डील साइन होगी जिसमें जियो डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिशिंग राइट्स ले लेगा 10 सेंट से, और इंडिया के अंदर जियो डिस्ट्रीब्यूट करेगा पबजी मोबाइल को। अगर ये बात आप लोगों को पता थी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज ये जो डील है काफ़ी हद तक साइन कर दी गई है।
और पबजी मोबाइल की जियो डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स है वो बहुत ही जल्द जियो कॉरपोरेशन के पास आने वाले हैं, और उससे होगा कि आप पबजी मोबाइल वापस से अनबैन हो जाएगा और इंडिया के अंदर में जियो ही सारी की सारी एडवर्टाइजमेंट कराएगा, जियो ही दोस्तों आपके लिए टूर्नामेंट वगैरह को ऑर्गेनाइज़ कराएगा और सारी की सारी चीज़ें जियो ही कलेक्ट करेगा इंडिया से, और जो एक्चुअल ओनर रहेगा पबजी मोबाइल के वो रहेंगे दोस्तों पबजी कॉरपोरेशन वाले, जो कि एक कोरियन कंपनी है। यहाँ पर टेंशन का कोई लेना देना ही नहीं रहेगा, तो परेशानी वाली कोई बात ही नहीं है। और हो सकता है जो वैलोरेंट वाली कंपनी को जानते हैं तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा कि वैलोरेंट मोबाइल कभी भी इंडिया में आ ही नहीं पाएगा। शायद आप सही हो भाई, क्योंकि वैलोरेंट का ओन करता है चाइनीज़ कंपनी टेंसेंट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, वैलोरेंट का 100% टेंसेंट ही ओन करता है। जैसे पबजी मोबाइल में तो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स ही टेंसेंट के पास थे, यानी कि इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा टेंसेंट, लेकिन वैलोरेंट के साथ में क्या होगा वो कह नहीं सकते, बिकॉज वैलोरेंट पूरा का पूरा ओन करता है टेंसेंट कंपनी, यानी कि ये चाइनीज़ कंपनी है। अब देखते हैं वैलोरेंट मोबाइल आता है इंडिया के अंदर में चलेगा या फिर नहीं। वैसे अगर गवर्नमेंट किसी डिसीजन के ऊपर जाती है और बैन करती है तो हमें भी उसे सपोर्ट करना चाहिए। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने सारे के सारे न्यूज़ बैटल रॉयल कैटेगरी की वो आप लोगों को प्रोवाइड करा दी, वैलोरेंट आएगा नहीं आएगा ये भी बता दिया, और दोस्तों पबजी मोबाइल की नई डील के बारे में भी बात करी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कीजिएगा एक लाइक, और इसी तरह की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइए जिससे आप हमारी कोई भी वीडियोज़ को मिस ना कर पाए। चलिए मैं मिलता हूँ फिर एक धमाकेदार वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग ऑल टेक, गुड बाय।